जिन्होंने ये करके दिखाया। प्राइवेट टीचिंग करते थे, 1 से 1.5 हजार रुपए मिलते थे, क्योंकि टीचर के लिए बिजनेस करना आसान है, क्योंकि जो सिखा सकता है वो हमारे यहां कमा सकता है, सही है। तो एक होनहार जबरदस्त लीडर जिन्होंने ये करके दिखाया, क्योंकि रूबी हमारे यहां होता है 5,000 से लेके 9,999 लोगों का नेटवर्क, और 10,000 पे क्या हो जाता है डायमंड, इसके बीच में जो होता है वो रूबी। तो हम बुलाना चाहेंगे आज के दूसरी बड़ी रिकग्निशन के लिए एक जोरदार ताली, राजकुमार दक्ष, जोरदार ताली, प्लीज वेलकम, खड़े होके जोरदार।
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बट आई थिंक लेडीज फर्स्ट, क्या ख्याल है? आई थिंक लेडीज फर्स्ट, सो बिग हैंड। थैंक यू। साथियों आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं अनीता दक्ष आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, आज इन्हें रूबी का सम्मान मिला, मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक दिन वो था जब हम सोचते थे कि हमारी जिंदगी कैसी होगी, और इतनी पढ़ाई करने के बाद भी इनकी 1000 रुपये महीने की इनकम थी, और हमें लगता था कि हम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारी जिंदगी का कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन मैं एक ही बात सोचती थी, भगवान कभी तो हमारी सुनेगा। फिर एक दिन हमारे जीवन में सिक्योर लैब नाम की बहार आई, लेकिन उसको करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था। फिर हमने आपस में फैसला लिया, क्यों ना हम अपने गहने बेचकर इस बिजनेस की शुरुआत करें, और हमने ऐसा किया और हमने सिक्योर लैब ज्वाइन कर लिया। और इनकी लगातार मेहनत की वजह से आज फिर हमारी जिंदगी धीरे धीरे बदलती चली गई। आज हमारे पास पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है। जब दिल करता है तब होटलों में खाना खाने जाते हैं, जब दिल करता है तब हम बाहर घूमने जाते हैं। साथियों लोगों का मानना है कि हाउस वाइफ से घर के ही काम कर सकती है, लेकिन आज मेरे पास 30 से 40 हजार रुपए प्रति महीने की इनकम आती है। अगर ये तो सारे सपने पूरे हुए हैं तो सिक्योर लैब की वजह से पूरे हुए हैं, और हमारे गुरुजनों की वजह से पूरे, उनके आशीर्वाद से पूरे हुए हैं। साथियों हमारे तो सपने पूरे होते चले गए, ड्रीम पूरे होते चले गए, लेकिन अब आपकी बारी है। साथियों अगर आपने भी विश्वास किया तो आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आने वाली है, आपकी जिंदगी में बहुत जल्द सारे सपने पूरे होने वाले हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच अगेन। आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों मैं राजकुमार सिकोबाद का रहने वाला हूं, एक छोटा सा शहर। कभी कल्पना नहीं की थी मैंने इस बिजनेस में इतनी बड़ी सक्सेस ले पाऊंगा। दोस्तों अगर आज इस सक्सेस का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है तो मेरे माँ बाप को, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया और मुझे जीवन दिया और मुझे संस्कार दिए इस रास्ते पर चलने के लिए। और सबसे बड़ा योगदान जाता है मेरे आदर्शों को, मेरे गुरु लोगों को, जिनकी उंगली पकड़ के मैंने कभी चलने की शुरुआत की थी। दोस्तों मैं धन्यवाद देता हूं और सच्चा नमन करता हूं मेरे सारे आदर्शों को। दोस्तों ये सारे आदर्श सबको मिलते हैं, आप सबको मिले हैं कि नहीं मिले? कन्फर्म मिले हैं कि नहीं? दोस्तों 4 साल पहले मुझे भी मिले थे, जब मैं सिक्योर लाइफ का बिजनेस प्लान देखा था मैं अकेला नहीं था। बिलीव मानिए आप लोग, मैं अकेला नहीं था, मेरे जैसे सैकड़ों लोग इस बिजनेस प्लान को देख रहे थे 4 साल पहले। और दोस्तों उनमें से एक राजकुमार एक ऐसा आदमी था जिसने सिक्योर लाइफ पर विश्वास करके अपना शुरुआत की, और मैं अकेला नहीं था। अगर मैं बोलूं तो मैं अकेला नहीं था, मेरे जैसे ढेर सारे लोग थे उस प्रेजेंटेशन मीटिंग में जिन्होंने सिक्योर लाइफ पर मुट्ठी बांध के बोला था कि यार ये काम तो करने लायक है और हम जरूर करेंगे। शुरुआत बहुत से लोगों ने की थी, दोस्तों मैंने भी की थी। मुझे लगता था शुरुआत में ही कि यार राजकुमार अगर ऐसा वास्तव में हो गया तो यार तेरे खानदान का नाम रोशन हो जाएगा और तू पता नहीं कैसे क्या कर सकता, क्योंकि मैंने यहां पर लाखों रुपए लोगों को बोलते हुए सुना था। मैंने प्रेजेंटेशन मीटिंग में आगरा में पहली बार मैंने मीटिंग अटेंड की थी, इसकी आज भी चलती है वहां, तो वहां लोग लाखों रुपए महीने की इनकम बता रहे थे कि मुझे लाखों रुपए की इनकम आती है, लेकिन इस राजकुमार के पास उस समय 1000 रुपए की ही नौकरी थी। इतना पढ़ाई करने के बाद एक प्राइवेट टीचर था मैं, 1000 रुपए की मेरी नौकरी थी, और उस नौकरी से मैं अपने परिवार को अपने घर को देख रहा था। हर बाप का एक सपना होता है मेरे बेटे को एक नौकरी मिल जाए और एक छोकरी मिल जाए,
आज दो होते हैं ना दोस्तों, नौकरी तो नहीं मिली लेकिन छोकरी आपके सामने थी। थैंक यू। आठ साल पहले मेरी शादी हो गई थी और आठ साल के बाद में चार साल का सफर हमने कैसे तय किया ये हम जानते हैं और हमारा भगवान जानता है हमने कैसे स्ट्रगल किया। शुरुआत में ये बिलीव था कि यार शादी हो जाएगी तो माँ बाप सारी चीजें करेंगे, जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद लगने लगा कि भाई अब खुद कुछ करके दिखाना पड़ेगा, ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। बहुत सारे स्ट्रगल किए, बहुत सारी मेहनत की दोस्तों, मैंने वो काम किए हैं, भगवान न करे लोगों को वो दिन देखने पड़े। मैं आपको अपने बारे में ज्यादा अंदर तक नहीं बताऊंगा मैंने क्या क्या काम किया है अपनी लाइफ को बदलने के लिए, मैंने बहुत सारे काम किए हैं, वो आपको मैं 23 दिसंबर को बताऊंगा कि मैंने क्या क्या काम किए हैं और आप देख पाएंगे उन चीजों को मैं किस क्राइसिस से निकल के आया हूं। जिस दिन मुझे सिक्योर लाइफ बिजनेस मिली थी दोस्तों, विश्वास मानिए उसी दिन 110% मीटर मेरा ऊपर हो गया था। मैं बोला यार राजकुमार जब ये जिंदगी बदल सकते हैं, एक्चुअली मैंने लोगों की एजुकेशन पूछी तो आप कितने पढ़े हो, तो जिन्होंने मुझे एजुकेशन बताई कि मैं हाई स्कूल हूं, मैं इंटर हूं, मैं बीए कर रहा हूं, मैं बोला राजकुमार यार हाई स्कूल करने वाला आदमी लाख रुपए महीने की इनकम की मुझे चेक दिखा सकता है तो तू तो इससे कई गुना कई ज्यादा बढ़िया है, तू पोस्ट ग्रेजुएट है, तेने एमए किया है, तू इससे बेटर कर सकता है। ये कॉन्फिडेंस मैं अपने अंदर पैदा कर रहा था उस समय, मैंने उस बिलीफ पर इस बिजनेस में आ गया। मैंने किसी को नहीं देखा, मैं बिजनेस में आ गया। किसी ने मुझे मेरे कानों में एक बात बोली थी, मैं जब फॉर्म साइन अप कर रहा था, राजकुमार जी बधाई हो आपके लिए, आपने इतना बढ़िया बिजनेस ज्वाइन कर लिया है कि आप यहां से 2 साल में कार ले सकते हो, ऐसे मुझसे किसी ने बोला। मुझे नहीं पता वो कौन था, कोई अनून परिचित था, अनून आदमी था सिस्टम का ही, तो मुझे अच्छा भी लगा और गुस्सा भी बहुत आया। अच्छा इसलिए लगा कि साला खानदान में आज तक किसी ने यह नहीं बोला कि तू कार ले सकता है, अच्छा तो इसलिए लगा। बुरा इसलिए लगा कि वो मुझे चिढ़ा रहा है या मुझे बेवकूफ बना रहा है या मुझे चने के पेड़ पे 2 साल में कार की बात कर रहे हो। भाई साहब आदमी को जिंदगी लग जाती है, सही है कि नहीं? आदमी को जिंदगी लग जाती है, मोटरसाइकिल से दूसरी मोटरसाइकिल नहीं ले पाता और तुम क्या बोल रहे हो 2 साल में कार ले सकते हो। मैं बोला यार आप क्यों जले पे नमक डाल रहे हो भाई साहब, ऐसा नहीं होता। बोले राजकुमार जी आपने क्या लगता है, ऐसा नहीं होता। सिक्योर लाइफ में हजारों लोग हैं जिनके पास में कारें आ रही हैं 2 साल के पीरियड में, इससे भी कम समय में। मैं बोला ठीक है भाई, अंदर से खुशी हुई। मैं बोला ठीक है भाई देखते हैं करेंगे। सर लोगों ने 2 बातें बोली थी मुझसे शुरुआत में ही, देख राजकुमार अगर तुझे सक्सेस लेनी है तो 2 बातें मान लेना। मैं बोला सर आप जो बोलोगे वो करूंगा। जानना चाहेंगे आप लोग? जानना चाहेंगे दोस्तों? जानने के बाद बहुत से लोग मानते नहीं है लेकिन मैं जानने के बाद परफेक्टली मान गया। मुझसे बोला राजकुमार जी अपलाइन जो बोले उसे फॉलो करना, अपलाइन, और दूसरा कभी दिमाग मत लगाना। क्यों जी? सही है ना? अपलाइन बोले उसको मानते रहना और कभी अपना दिमाग। मैं बोला साहब दिमाग नहीं लगाना मतलब दिमाग ये कैसे लगता है? बोले हम जैसा बोले आपको वो फॉलो करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। ये बिजनेस में आप वो सफलता पा लोगे जो आप पाने के लिए आए हो। ये जितने लोग लाइन में देख रहे हो सब करोड़पति हैं, सब डायमंड हैं, सबको 2 लाख पर वीक आता है, ऐसा ही आता है। तो मैं एक बात बोला उनसे, मैं कहा सर आपने बोला दिमाग नहीं लगाना, अगर ऐसा वास्तव में होता है ना तो सर मैं आज आपकी कमिटमेंट करता हूं कि मैं आपकी फुटबॉल हूं। क्या? मैं आपकी फुटबॉल हूं, आप जिधर लात मारोगे उधर पाली में चला जाऊंगा। दिमाग की बात करते हो तुम, दिमाग की बात करते हो। वो दिन कभी नहीं आएगा और वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा जिस दिन मैं अपलाइन की बातों में दिमाग लगाऊंगा। अपलाइन जो बोलेगा वो करूंगा। सर आप लात जिधर मारोगे उधर चला जाऊंगा, जैसे फुटबॉल जाती है। अपलाइन ने बोला राजकुमार बस तू डायमंड बन गया, तुझे कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों उस विश्वास पर मैं इस बिजनेस में, उस बात पर मैं इस बिजनेस में आ गया, कमिटमेंट कर दिया। थैंक यू वेरी मच। कमिटमेंट तो कर दिया। आगरा में मैंने सिक्योर लाइफ बिजनेस को अंडरस्टैंड किया था। आगरा, और आगरा मेरे शहर से 60 किलोमीटर दूर है सिकोआबाद से। सर लोगों ने बोला राजकुमार जी बड़ा काम करना है तो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। मैं बोला साहब बिल्कुल सीखूंगा, ट्रेनिंग भी लूंगा, लेकिन पर वीक शुक्रवार को मीटिंग होती थी वहां पर वीक जाने में बड़ी दिक्कतें आती थी, हर हफ्ते जाने में दिक्कतें आती थी क्योंकि शाम के टाइम ट्रेनिंग चलती थी 5 बजे के बाद में और 5 बजे थोड़ा सा डार्क हो जाता है, सही है ना, अंधेरा सा हो जाता है। उस पीरियड में मैं अपने घर पर यह बोल के निकलता था कि मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं और मुझे आने में थोड़ा समय लगेगा। तो एक बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, लेकिन जब मैं ज्यादा बार गया
तो घर से दिक्कतें आई, और जाने की भी एक बहुत बुरी कंडीशन थी मेरी, मैं जाता कैसे था। अब मुझे बताइए, 1000 रुपए कमाने वाला आदमी क्या रोडवेज में बैठ सकता है? टेल मी, 1000 कमाने वाला आदमी रोडवेज का सफर कर सकता है क्या? उसकी औकात है क्या? 60 रुपए लगते हैं आने जाने के, सही है कि नहीं? हाँ, आपको, आप भी उधर के रहने वाले हो। तो मैं काम करता था, मेरी जेब में एक 10 की नोट होती थी खुला, और मैं जो टैंकर चलते हैं ना, पेट्रोल के डीजल के चलते हैं, तो टैंकर में रोड पे खड़े हो गए, सुबह शाम को निकले 3 बजे, मीटिंग है 6 बजे आगरा में, निकल रहा हूं घर से 3 बजे, 3 घंटे में मुझे आगरा का सफर तय करना है, और 1 घंटे की दूरी है। टैंकर आया, हाथ दिया और हाथ ऐसे कर दिया, तो टैंकर वाला सोच रहा है कि यह जाएगा मथुरा कोसी, बिठा लो इसको, ऐसे करना पड़ता था एक्चुअली में। वैसे अगर ऐसे करेंगे ना तो वाला यही की होगा आसपास का, फिर नहीं बिठा लेगा, ऐसे करके सब तो जाके वो बिठालता था, वैसे बिठालता भी नहीं था। ये मैंने टेक्निक सीख ली थी, 3-4 बार में सीख गया था मैं, ऐसे करोगे तभी रोकेगा। बैठ गए, अब किराया एक्चुअली में 15 रुपए लगते हैं, अब मुझे नहीं पता कितने लगते, 4 साल से 15 रुपए लगते हैं, 60 ट्रक टैंकर वाले लेते हैं। उस समय वो आया कंडक्टर, भाई साहब लाओ पैसा बढ़ाओ, तो मैं बोला एक काम कर, इन सबसे ले लो, उसके बाद मुझसे ले लियो। बोला नहीं नहीं नहीं, पहले आप दो। उसे डाउट हो गया, देगा या नहीं देगा। बोला इनसे ले लो। बोला नहीं पहले आप दो। मैंने 10 की नोट निकाली, मैं ले भैया। बोला कहां जाओगे? मैं बोला आगरा। बोला 15 रुपए लगते हैं? मैं बोला नहीं, 10 रुपए है मेरे पास को, और मैं रोज वाला आदमी हूं, 10 ही रुपए दूंगा। बोला नहीं 15 लगेंगे। मैंने 10 रुपए दूंगा। बोला 15 लगेंगे, मैं 10 रुपए दूंगा। बोला 15 लगेंगे, मैं 10 रुपए दूंगा। बोले काम कर, उतर जा। मैं बोला उतार दे। मैं बोला उतार दे। मैं बोला उतार दे। इतने में गाड़ी 15 किलोमीटर आगे निकल गई, फरजाबाद के आसपास आ गई, रुपया जेब में रखा उतर गई। थैंक यू। उसके बाद में फिर साथ दिया, फिर रोक गया एक और, फिर बैठ गया उसमें। उसने पंगा किया तो उतर गए, नहीं पंगा किया तो 10 रुपए ले लिया। ऐसे करके विश्वास मानिए आप लोग, दिल की फीलिंग से मेरी, इस तरीके से मैंने सिक्योरली बिजनेस की शुरुआत करी। आगरा पहुंच गए, कभी तो आगरा पहुंच गए 5 बजे, कभी पहुंच गए 4:30 बजे, कभी पहुंच गए 5:30 बजे, और वहां ट्रेनिंग लेने के बाद में 9 बजे, जब 9 बजे तक ट्रेनिंग चल रही है, 9 बजे छूट रही है, और आगरा में 20 किलोमीटर अंदर ट्रेनिंग हो रही है, जेब में पैसे नहीं है, वहां से रिक्शे वाले को देने के लिए, ऑटो वाले को देने के लिए 10 रुपए चाहिए, और 10 रुपए में तो मैं घर आ जाता हूं, वहां से पैदल आ रहा हूं। अपलाइन ने बोला सर नमस्कार, बहुत बढ़िया आपने ट्रेनिंग ली, अब आपकी जिंदगी बदलेगी, जाके करना शुरू कर दो। मैं बोला ठीक है सर, ओके करना शुरू करता हूं मैं जाके। पर ये तो पता ही नहीं उसको कि 20 किलोमीटर कैसे जाएगा वहां तक। वो गाड़ी उठाया और सर चले गए, सर चले गए। राजकुमार जी पैदल जा रहे हैं, 9 बज रहे हैं, 20 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, किसी को मोटरसाइकिल वाले को आते हैं ना, भाई साहब जरा मुस्कुरा के, भाई साहब ऐसे कर, किसी ने कहा दया आ गई तो लिफ्ट दे दी, बैठ गए 5 किलोमीटर के लिए, फिर उतर गए। ऐसे करके मैं बिजनेस की शुरुआत करी। और दोस्तों कभी कभार दिल ऐसा करता था यार, क्योंकि मैं जब शुरू शुरू में बिजनेस कर रहा था ना, तो लोग मुझे को लॉजिक बहुत देते थे, लॉजिक ऐसे लॉलीपॉप, राजकुमार जी काम तुम्हारा बहुत बढ़िया है पर मैं अगले महीने करूंगा। अब 1 महीने का लॉलीपॉप दे दिया उसने मुझे, ऐसे देते आपको, देते नहीं देते? हाँ, मैं कोई विदेश से नहीं आया हूं, आपकी तरह ही मैं आया हूं बिजनेस में। और उसके बाद में फिर मैं 1 महीने बाद ही उसके पास गया, बोले राजकुमार जी पैसा नहीं है, 15 दिन का और वेट कर ले। मतलब कोई बात नहीं है, ऐसे लॉजिक देते थे मेरे को। एक बार एक मेरा दोस्त है, मेरा हार्डली इतना कर्रा दोस्त है, आप पूछो मत उसको, नाम उसका गौरव सर, गौरव यादव है, रिंकू मेरा नाम वैसा है, फेवरेट नेम रिंकू करके बोलते हैं उसको। मैं उसके घर गया, पहले मैंने उसको प्लान दिखाया, मैं उसके घर गया, उसने मना कर दिया, देख भाई राजकुमार तू तो लबड़म पड़ गया है, ये तो कुछ होता नहीं है, ये चलता नहीं है। एक्चुअली देखा मैंने था, उसने नहीं देखा था, मैं उसको अपनी आंखों से दिखाने का प्रयास कर रहा था, यार देख ले, लेकिन उसने मना कर दिया। मैं बोला कोई बात नहीं है, तू नहीं करेगा तो तेरा बापू तो कर ही सकता है। मैं उनके पास गया, मैंने अंकल मैंने अपना पूरा बिजनेस बताया, सर ऐसे ऐसे करके है, अंकल ऐसे ऐसे करके है। अंकल ने बिजनेस देखा और जैसे ही मेरी बाइनरी की स्लाइड आई, उन्होंने अपने हाथ से फोल्डर बंद कर दिया, बोले काम करो, चलो बहुत बढ़िया है, करो आप करो, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये वो नहीं करेगा, गौरव इसको नहीं करेगा। मैं ऐसा क्यों? नहीं, ये उसके लिए काम नहीं है, वो पढ़ाई कर रहा है, उसे पढ़ाई करने दो, और आज के बाद इस काम के बारे में उसे बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर मैं कहूंगा, क्योंकि आज मेरी जीभ रुकेगी नहीं कहने से। उस व्यक्ति ने एक गंदी लैंग्वेज यूज की मेरी सिक्योर लाइफ के प्रति, मेरे प्रति, ऐसी ऑड लैंग्वेज यूज की जिसको सुनने के बाद गोली सी लगी अंदर।
और वो आदमी मेरा टारगेट बन गया। उस आदमी ने सिक्योर लाइफ को ऐसे वर्ड यूज करके बोला कि ऐसी मैंने बहुत देखी कंपनी, बहुत आई बहुत चली गई, रोज आती हैं रोज जाती हैं और कुछ नहीं होता, बेकार के काम है ये। तो मैं बोला अंकल आपको जो बोलना है बोलो, गाली तो मत दो, अब गाली क्यों दे रहे हो? बोला कि गाली वाली कोई बात नहीं है, आज के बाद उससे अगर मिले तो इसकी बात मत करना, वो इधर आना तो इसकी बात मत करना। इनडायरेक्ट में उसने बोल दिया कि तुझे आने की जरूरत नहीं है। मैंने अपना बैग उठाया और चुपचाप चला आया। मेरे घर से 200 मीटर की दूरी पर है वो घर, 200 मीटर की दूरी पर, ज्यादा नहीं है। मैं घर आ गया अपने वापस, मेरे पास में दो ऑप्शन थे। मैं क्राइसिस में आकर के बोलता यार जब ये नहीं कर रहे तो कोई नहीं करेगा, और मैं बिजनेस को छोड़ देता। क्यों जी, सही है कि नहीं? जो मेरा पिछला लंगोटिया यार है, पिछला यानी इतने से मेरे साथ पढ़ रहा है, उसने मना कर दिया जिस पर मुझे पूरा विश्वास था, और एक्चुअली में उसी के दम पर मैंने 350 रुपए दिए थे। उसने साफ मना कर दिया, उसके पिताजी ने साफ मना कर दिया, बोला कोई नहीं करेगा वो। मैं आ गया वापस, मैंने सर को फोन लगाया, मैं बोला सर मैं बहुत परेशान हूं, मुझे बताइए क्या करूं मैं इस बिजनेस में आने के लिए। मैं अपने घरवाली का जेवर बेच चुका हूं, मैं उसकी ज्वेलरी बेच चुका हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं फुटपाथ पर हूं, और ये बात मेरे घर पे भी नहीं पता, किसी को पता चल गई तो मेरा घर भी छूट जाएगा। सर मुझे कुछ भी करके आप इस बिजनेस में पैसा कमाओ, नहीं तो मैं परेशान हूं। ऐसे मैं अपने अपलाइन से बोलता हूं, अपलाइन ने बोला, मेरे अपलाइन ने दो बातें मुझसे बोली, बोला राजकुमार जी मैं आपसे पूछ लूं क्या? बोले राजकुमार जी ये बताओ ताश की गड्डी में कितने पत्ते रहते हैं? हाजी 52 पत्ते रहते हैं। इक्के कितने रहते हैं जी? सबसे बड़ा पत्ता वही है ना, इक्का। बोले चार इक्के रहते हैं? बोला हां सर बिल्कुल सही बात है। आप ये बताइए अगर आपने ताश की गड्डी को पलटना शुरू किया